कल हम लोगों ने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिस्कस की थी, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 21 के बारे में समझा, और ये भी जाना कि दो तरीके के राइट्स अनुच्छेद 21 में हमें दिए गए हैं, जिनमें पहला राइट है राइट टू लाइफ और दूसरा राइट है पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ इंक्लूडिंग इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भी हम लोगों ने समझा। आज हम लोग इसी के एप्लीकेशन पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज पर्सनल लिबर्टी, और पर्सनल लिबर्टी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस है अरुणा शानबॉग का। और इस केस का जो हिस्टोरिक डिसीजन आता है वो डिसीजन यूथनेशिया के नाम से जाना जाता है, इच्छा मृत्यु के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि इच्छा मृत्यु से रिलेटेड क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, या ये इच्छा मृत्यु होती क्या है, भारत में इसका कोई स्कोप है? तो आंसर इज नो, फिलहाल तो नहीं है। हाँ, कोर्ट डिसाइड जरूर कर चुका है कि जो यूथनेशिया है, जो इच्छा मृत्यु है, शुड बी द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, और सरकार को ये निर्देश भी दिया जा चुका है कि इसके संबंध में आप विचार कीजिए और कानून बनाइए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से मर जाने का अधिकार होगा तो इस बात का दूसरा मतलब यह भी होगा कि वो सुसाइड कर रहा है। अपनी इच्छा से मर जाना, खुदकुशी करना, आत्महत्या करना, ये एक ही बातें हैं। तो इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो हमें आईपीसी 309 में मिलता है, इंडियन पिनल कोड की धारा 309 आत्महत्या के बारे में प्रावधान करती है, एंड द अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड इज द क्रिमिनल ऑफेंस, इसे एक आपराधिक कृत्य माना गया है। तो अगर आईपीसी में आत्महत्या गुनाह है तो फिर यह मूल अधिकार कैसे बन गया? अगर इतिहास को उठा के देखें तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहे तब अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्याग सकते थे। महाभारत के युद्ध में आपने देखा कि बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए दर्द से कराह रहे हैं, लेकिन युद्ध इतना इंटरेस्टिंग है कि प्राण नहीं दे रहे हैं अपने, पहले पूरा युद्ध देख लिए, पूरा परिणाम देख लिए, फिर प्राण देते हैं। तो कहने का मतलब है कि भले ही ये एक पौराणिक कहानी हो, इसका सत्यता से संबंध हो या ना हो, लेकिन इच्छा मृत्यु का एक उदाहरण तो है हमारे पास। इसी क्रम में जो केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उस केस में जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसका नाम है अरुणा शानबाग। एक लड़की है कम उम्र की, जो मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एक नर्स के तौर पर काम करती है, और 27 नवंबर 1973 के दिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे सभ्य समाज में कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। उसी अस्पताल का एक वार्ड बॉय उसको रेप अटेम्प्ट करता है, बलात्कार की कोशिश करता है, और बलात्कार की इसी कोशिश में अरुणा की हाथापाई होती है, चोटें लगती हैं, और इसी हाथापाई में वो वार्ड बॉय अरुणा के सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार करता है और अरुणा बेहोश हो जाती है। वार्ड बॉय तो भाग जाता है, अरुणा का इलाज चलता है, फिर डॉक्टर्स बताते हैं कि अरुणा कोमा में जा चुकी है।
कोमा है क्या? व्हाट इज कोमा? व्हेन द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग इज कॉल्ड डेथ, व्हेन द ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग इज कॉल्ड कोमा। दिमाग काम करना बंद कर दे, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, कोमा की स्थिति है। और अरुणा जिस कोमा में गई उसे डीप कोमा कहते हैं, ना हिल सकती ना डुल सकती, किसी को देख तो सकती लेकिन पलकें तक नहीं झपका सकती, ना बोल सकती, अपना दर्द किसी से नहीं कह सकती। जिंदा लाश कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा। पारसी समुदाय से ताल्लुक रखती थी। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि अरुणा हमारी बेटी की जैसी ही है, इसलिए इसके इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे। जैसे वो हॉस्पिटल का स्टाफ थी, अब वो हॉस्पिटल की बेटी बनके हॉस्पिटल में रहेगी। और अरुणा के नाम एक बेड फिक्स कर दिया गया और कहा गया कि अरुणा जब तक ठीक नहीं हो जाती या जब तक सर्वाइव करती है तब तक वो अस्पताल में ही रहेगी। अरुणा खामोश रहती थी लेकिन अस्पताल को उससे लगाव था, दिली जुड़ाव था, लोग उसका हालचाल लेने आते थे। लेकिन एक महिला के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। अरुणा की इस खराब हालत को देखते हुए उसकी एक सहेली, उसकी एक फ्रेंड पिंकी वीरानी जिसका नाम था, उसने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी कि अरुणा और अरुणा जैसे अनेक लोग इस देश के अंदर हैं जिनकी जिंदगी जिंदगी नहीं मानी जा सकती। हाँ, अगर वो मर जाएं, उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी मृत्यु उनके लिए एक अचीवमेंट होगी, एक जीत होगी, क्योंकि ऐसे लोगों के जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। अरुणा मर जाए इसकी वकालत उसकी फ्रेंड पिंकी वीरानी इसलिए नहीं कर रही थी कि वो अरुणा से नफरत करती थी, बल्कि इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अरुणा से बहुत प्यार करती थी और वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लंबे समय तक ये मुकदमा चला, पिंकी वीरानी हार गई क्योंकि कोर्ट ने अरुणा को मारने की परमिशन नहीं दी। कोर्ट ने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी कि अरुणा को एक जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए और अरुणा की जान चली जाए और अरुणा को इस दर्द से मुक्ति मिल जाए, ऐसी परमिशन नहीं दी गई। आपको जान के शायद हैरानी हो, दुख हो कि अरुणा ने 42 साल कोमा झेला, 42 साल, 42 ईयर्स। एक जवान लड़की जिसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ था वो बूढ़ी हो चुकी है, कोमा में है। सोचिए कैसे सरवाइव किया होगा। और जिन लोगों ने उसको सरवाइव करवाया होगा वो लोग देवतुल्य हैं, कितनी सेवा की गई होगी। और फाइनली 42 साल की उम्र में अरुणा का निधन हुआ 18th of May 2015 को। लेकिन कोर्ट ने यह परमिशन नहीं दी कि अरुणा को किल किया जाए, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि अगर हम किसी को मारने की परमिशन देते हैं या इच्छा मृत्यु की परमिशन देते हैं तो इट इज कॉल्ड सुसाइड, एंड सुसाइड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 309, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अरुणा तो इस दुनिया से चली गई लेकिन अपने पीछे एक ऐसा प्रश्न छोड़ गई कि वो लोग जिनकी जिंदगी जिंदगी नहीं है, मर जाना उनके लिए बेहतर है, क्या ऐसे लोगों को भी सुसाइड अटेम्प्ट की कैटेगरी में डाला जाएगा, आईपीसी 309 के अंतर्गत रखा जाएगा? पूरा देश रोया था उस दिन जिस दिन अरुणा की मौत हुई थी। और फिर एक एनजीओ ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ली जिनका नाम था कॉमन कॉज। उन्होंने पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, अरुणा की तरफ से केस लड़ा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने
पिंकी वीरानी की जो पिटीशन खारिज करी थी वो पिटीशन भेजी थी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, 5 जजों की बेंच में भेजी थी और इसको सुसाइड अटेम मार के कैंसिल कर दिया था। जब बड़ी बेंच के पास से पिटीशन गई, 5 जजों ने संवैधानिक पीठ के अंतर्गत जब इस केस की सुनवाई करी तो मुकदमा लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, संसाधनों की ज़रूरत थी, उसके लिए कॉमन कॉज सामने आया और कॉमन कॉज नाम के एनजीओ ने ये मुकदमा लड़ा। जीत आखिरी में सत्य की होती है, कॉमन कॉज की जीत हुई और 9 मार्च 2018 को वो ऐतिहासिक फैसला आ गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पर्सनल लिबर्टी का राइट मान लिया, अर्थात बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा था कि किसी को इच्छा मृत्यु देना 309 के दायरे में आएगा, सुसाइड के दायरे में आएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को, यूथनेशिया को उठा करके 21 में रख दिया और इसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी माना। लेकिन इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस भी थी, उन कंडीशंस को फॉलो करके ही किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकेगी। उन कंडीशंस की डिटेलिंग भी कोर्ट ने दी और सरकार को यह निर्देश दिया कि इन डिटेलिंग्स को ध्यान में रखते हुए आप एक ड्राफ्ट तैयार करिए, कैबिनेट से अप्रूव करिए और इच्छा मृत्यु को लेकर के कानून बनाइए। तो ये डिटेलिंग्स क्या थी और इच्छा मृत्यु क्या होती है, आइए अब इसको जान लेते हैं। यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु कुल 2 तरीके की होती है। पहले यूथनेशिया को बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया और दूसरे यूथनेशिया को बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। तो पहले आप समझिए कि प्रत्यक्ष इच्छा मृत्यु या एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है। कल्पना कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसके पास ऐसे आर्थिक संसाधन नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है भी उसके पास तो उसको वो अपनी बीमारी में बर्बाद करके अपने बच्चों को अनाथ छोड़ करके नहीं मरना चाहता। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए और डॉक्टर ने उसको एक जहर का इंजेक्शन लगा दिया। जहर का इंजेक्शन लगने के बाद वो व्यक्ति अपने घर गया और आराम से सो गया और सुबह तक उसकी मौत हो गई। ये जो घटना है इसको इच्छा मृत्यु नहीं कहेंगे, ये एक्टिव यूथनेशिया प्रत्यक्ष इच्छा मृत्यु के अंतर्गत रखी जाएगी और कोर्ट के अकॉर्डिंग जो एक्टिव यूथनेशिया है वो अटेम्प्ट टू सुसाइड माना जाएगा, इसको आत्महत्या माना जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है, ये होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो अपने हालातों से परेशान हो, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, किसी हादसे में अपना शरीर का कोई अंग गंवा चुका हो तो उसे इस प्रकार से मर जाने का अधिकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कोर्ट ने किसी भी रूप में एक्टिव यूथनेशिया प्रत्यक्ष इच्छा मृत्यु को सही नहीं माना और क्लियर लिखा अपने डिसीजन में कि यूथनेशिया इज द फंडामेंटल राइट बट एक्टिव यूथनेशिया नॉट, ओनली पैसिव यूथनेशिया। और दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी मुल्क में एक्टिव यूथनेशिया को फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता है। अब समझते हैं कि पैसिव यूथनेशिया क्या है। पैसिव यूथनेशिया का मतलब है कि कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति का कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या उसकी ऐसी कोई शारीरिक अपंगता हो गई है जिसमें उसकी जान बचने की कोई संभावना नहीं है, डॉक्टर ने उसका इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, वेंटिलेटर पे डाला, कोमा में डाला और डॉक्टर के मुताबिक उस व्यक्ति के बचने की संभावना 1% से भी कम है। तो यदि किसी व्यक्ति के बचने की संभावना 1% से भी कम हो और वो व्यक्ति वेंटिलेटर सपोर्ट पे हो तब बारी आती है पैसिव यूथनेशिया की, परोक्ष इच्छा मृत्यु की। ऐसी स्थिति में यदि उस व्यक्ति के परिजन एग्री करेंगे तो उसको पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाएगा और जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाएगा
वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा और उसको प्राकृतिक मौत के लिए छोड़ दिया जाएगा। दवाएं बंद कर दी जाएंगी, प्राकृतिक मौत के लिए छोड़ दिया जाएगा, नेचुरल डेथ के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो पैसिव यूथनेशिया में ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज़, इनका बहुत ध्यान रखा गया और ऐसा विचार किया गया कि किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मौत ही हो किसी भी रूप से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। इंजेक्शन दे के मारना, दवा दे के मारना, किसी व्यक्ति को किल कर देना इज़ नॉट पॉसिबल एंड इज़ ऑल्सो द अगेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द हाई मॉरल वैल्यूज़ ऑफ द नेशन। तो इसलिए ये सिद्धांत कतई सही नहीं है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपका मूल अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है, तो वो है यूथनेशिया। लेकिन कौन सा यूथनेशिया? पैसिव यूथनेशिया। तो क्या पैसिव यूथनेशिया का दुरुपयोग नहीं होगा? मान लीजिए कि कोई एक बड़ा अमीर व्यक्ति हो और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे हो और उसके बच्चों में उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा हो, तो बच्चे भी तो डॉक्टर को बोल देंगे कि इनका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दो। तो जैसे किसी भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है, वैसे पैसिव यूथनेशिया का भी दुरुपयोग हो सकता है। तो इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाएगा? इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कोर्ट प्रोविजन करता है। वो प्रोविजन का नाम है लिविंग विल, एंड लिविंग विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड फैक्टर इन द टॉपिक ऑफ द यूथनेशिया। व्हाट इज लिविंग विल? जिस तरीके से आप अपनी वसीयत बनाते हैं, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, आपके मरने के बाद उस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा, किसको मिलेगी आपकी दौलत, किसको मिलेगा आपका घर, ये आप अपनी वसीयत में, अपने विल में लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से जब यूथनेशिया से संबंधित कानून सरकार बना देगी, तब आप एक लिविंग विल बनाएंगे। हर वो व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर का है, वो अपनी एक लिविंग विल बना सकता है, एक जीवित वसीयत बना सकता है। और लिविंग विल में ये लिखा जाएगा कि इन द केस अगर जीवन में कभी भी उस व्यक्ति को ऐसी हेल्थ कंडीशंस का सामना करना पड़ता है या किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जब उसके बचने की संभावना 1% से भी कम होगी, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। उसके लिए किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा या व्यक्तियों के समूह को अपॉइंट किया जाएगा जो ये डिसाइड करेगा। उन व्यक्तियों के समूह में उसके परिजन हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, उसकी पत्नी या उसके बच्चे हो सकते हैं। लिविंग विल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हॉस्पिटल के सामने रखे जाएंगे। जब भी कोई व्यक्ति वेंटिलेटर सपोर्ट पे होगा तो अस्पताल प्रशासन को ये बताना पड़ेगा आपको कि इस व्यक्ति की लिविंग विल है, इस व्यक्ति की जीवित वसीयत है। क्योंकि उस समय जब व्यक्ति वेंटिलेटर सपोर्ट पे होगा तब वो ये बताने की स्थिति में तो नहीं होगा कि मुझे आप यूथनेशिया दे दीजिए। तब वहाँ पे लिविंग विल काम आएगी कि जब ये व्यक्ति सही था तब भी ये चाहता था कि अगर ऐसी स्थिति कभी आ जाए तो इसको पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए। ये लिविंग विल जाएगी उस जिले के एक मेडिकल टीम के पास। उस जिले का जो जिला चिकित्सालय होगा वहाँ पर डॉक्टरों की एक टीम होगी जिसको यूथनेशिया की टीम कहा जाएगा। ये टीम हॉस्पिटल आएगी, उस व्यक्ति की लिविंग विल की जांच करेगी और जांच करने के बाद फिर ये देखेगी कि उस व्यक्ति के बचने की संभावना कितनी है। अगर बचने की संभावना 1% से ज़्यादा हुई तो पैसिव यूथनेशिया नहीं दिया जाएगा। बचने की संभावना 1% से भी कम, 0.1% होगी, तब मेडिकल टीम जो होगी, मेडिकल पैनल जो होगा, तब वो इस बात को लेकर के एग्री कर जाएगा कि हाँ ठीक है, अब इसको पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए, यानी कि इसका जो वेंटिलेटर सपोर्ट है वो हटा लिया जाए। लेकिन पहले उसकी लिविंग विल पर उस जिले के DM के दस्तखत होंगे, स्टैंप लगेगा, वहाँ से पास होगा, तब ये काम किया जाएगा। और फिर लिविंग विल के बाद ये वेंटिलेटर सपोर्ट हटा लिया जाएगा, उस व्यक्ति को प्राकृतिक मौत के लिए छोड़ दिया जाएगा और फिर इस तरीके से यूथनेशिया का जो प्रोसेस है ये पूरा हो जाएगा। अब ये जो यूथनेशिया का प्रोसेस है, ये तो जब कानून बनाएगी सरकार तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होगा। लेकिन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं कोर्ट की लैंग्वेज में बता रहा हूँ और यही सरकार भी कहीं ना कहीं इसको फॉलो करेगी। लेकिन आपने देखा होगा
कि आम तौर पर भी हमारे समाज में ये होता है, कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है, सड़क हादसा हो गया है या और किसी हेल्थ कंडीशन से वो गुजर रहा है, और जब उनके घर में पैसा ख़त्म हो जाए, जब परिवारजन इलाज कराने में अक्षम साबित हो जाएं, तब फिर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति को घर ले जाओ और इसकी सेवा करो। तो ये घर ले जाओ और सेवा करो, घर ले जाओ और परिजनों के बीच में रखो, घर ले जाओ और आखिरी बार सबको दिखा दो, ये जो कॉन्सेप्ट हैं ना हमारे देश में, बस इसी को यूथनेशिया कहते हैं। हाँ, कानूनी जामा अब पहनाया गया, और अभी भी नहीं पहनाया गया, अभी तो केवल माना गया कि ये कानून है, अभी तो केवल माना गया कि अपनी इच्छा से मर जाने का अधिकार मूल अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को तब मिलेगा जब वो उस मेंटल स्टेटस में ही नहीं होगा कि वो ये कह सके कि मुझे यूथनेशिया चाहिए। तो इस प्रकार से जो पर्सनल लिबर्टी के कॉन्सेप्ट हैं उसमें यूथनेशिया की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। यूथनेशिया की कहानी के बाद अगर मैं आपसे दूसरा, तीसरा और चौथा केस भी डिस्कस करूं तो क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। यूथनेशिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसके अलावा कुछ और केसेस हैं जिनको मैं संक्षेप में डिस्कस कर देता हूं। जैसे एक है एलजीबीटी कम्युनिटी का केस। अब एलजीबीटी कम्युनिटी के केस की कहानी ये है कि एलजीबीटी का मतलब है एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल और टी फॉर ट्रांसजेंडर। ये चार कैटेगरी के लोग होते हैं, इन चार कैटेगरी को भी जो है ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत पर्सनल लिबर्टी के दायरे में रखा गया है। हाँ, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर एक अलग से भी वीडियो लेक्चर तैयार कर दूंगा, क्योंकि है तो भाई इम्पॉर्टेंट, लेकिन अभी क्लास लंबी होने की वजह से मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। इसी तरीके से जो एक बाबा रामदेव के साथ एक घटना घटी थी 5 जून और 2011 को दिल्ली में, जब वो अनशन कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो रात को सोते समय उनके ऊपर हमला हुआ था और पुलिस ने सोते हुए लोगों को मारा था, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। इस मामले को कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया था और उस घटना के बाद राइट टू स्लीप को भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट मान लिया गया था। तो चैन से सोने का अधिकार जो है वो भी मूल अधिकार है। तो जितने लोगों की नींद बाधित करते हैं उनके पेरेंट्स की पढ़ाई करो, तो वो लोग इस अधिकार का लाभ उठाएं और अपने पेरेंट्स को बताएं कि ये उनकी पर्सनल लिबर्टी है। इसी तरीके से बिहार इलेक्शंस में आपको याद होगा कि सरकार ने ये वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सभी को फ्री वैक्सीन देंगे। तो एक वकील साहब थे, उन्होंने पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट से पूछा कि क्या फ्री वैक्सीन का राइट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए। इसका डिसीजन अभी कुछ ही दिनों पहले आया है। कोर्ट ने राइट टू वैक्सीन को फंडामेंटल राइट नहीं माना, क्योंकि अगर राइट टू वैक्सीन को फंडामेंटल राइट मान लिया जाएगा तो वैक्सीन्स तो बहुत महंगी महंगी भी आती हैं और हर वैक्सीन सरकार आपको नहीं लगवा सकती है, इसलिए कोर्ट ने राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट माना और अब से स्वस्थ रहने का अधिकार या स्वास्थ्य का अधिकार भी आपको मूल अधिकार है। इसी तरीके से राइट टू लिव इन द फ्रेश एंड क्लीन एयर, स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार भी आपका पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आने वाला राइट है, इसको भी कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी माना है। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 21 है इसका दायरा बहुत लंबा हो जाता है और ये सारी चीज़ें, चाहे वो यूथनेशिया हो, चाहे वो राइट टू हेल्थ हो, चाहे वो राइट टू लिव इन फ्रेश एंड क्लीन एयर हो, चाहे वो राइट टू स्लीप हो और चाहे वो राइट टू मैरी हो, अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार भी इसमें शामिल है, ये सारे अधिकार पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर यहाँ पर आर्टिकल नंबर 21 की बात हमारी समाप्त होती है। UPSC की परीक्षाओं में ये जो मैंने छोटे छोटे राइट्स आपको बताए हैं, इनसे रिलेटेड एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यूडिशरी मेंस के एग्जाम में एक एक अधिकार आपको लिखने के लिए आ सकता है, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर कोई डिस्कशन करूं, तो मुझे बताइएगा, मैं निश्चित तौर पर कोशिश करूँगा कि इसी क्रम में कोई अगला वीडियो लेक्चर मैं तैयार कर दूँ। तो यहाँ पे आज की बात समाप्त करेंगे, अनुच्छेद 21 भी यहाँ पर समाप्त होता है। पढ़ते रहिए और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको आप पूछ लीजिए। थैंक यू।